वेलकम टू माई क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस गिवन टू आस हियर ए लिस्ट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल फंक्शन इज गिवन इन फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर हमें कुछ फंक्शंस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दिए गए हैं Microsoft Excel has built-in depreciation functions for multiple depreciation methods including The first one is the straight line method that is SLN function The second one is the sum of the years digits method the SYD function The third one is the declining balance method the DB function फोर्थ वन इज द डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड दैट इज द डी डी बी फंक्शन एंड द लास्ट वन इज द वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मैथड दैट इज वी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एस एल एन फंक्शन की सबसे पहले हम एस एल एन फंक्शन के सिंटेक्स को देखते हैं इस सिंटेक्स के अंदर हमें तीन आर्गूमेंट्स दिए गए हैं कॉस्ट सॉल्वेज एंड लाइफ मैं इन तीनों आर्गुमेंट को आपके सामने इलाबोरेट कर रहा हूँ कॉस्ट आर्ग्यूमेंट इज रिक्वायर्ड वन दिस कॉस्ट कॉस्ट इनिशियल ऑफ़ असेट जिस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हमने असेट को परचेज किया है द सेकेंड वन इज सॉल्वेज इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड सॉल्वेज मीन्स द रेजिडुअल वैल्यू एट द यूजफुल लाइफ ऑफ एन असैट एक असेट की प्रोडक्टिव लाइफ समाप्त हो गई उसके बाद अब ये स्क्रैप है जो कि हमने मार्केट में बेच देना है दैट वैल्यू इज टर्म्ड एज सॉल्वेज वैल्यू द लास्ट आर्गूमेंट इज लाइफ इन दिस केस दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड वन द नंबर ऑफ पीरियड्स ओवर विच द सेट इज बींग डेप्रिशिएटेड इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को टेकअप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर दो तरीके से करके दिखाऊंगा सबसे पहले हम यहां पर दी गई प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड परचेज द ट्रक फॉर रुपीज ट्वेंटी एट लैक रुपीज टू यूज इट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स द कंपनी प्लान टू यूज द ट्रक फॉर फाइव ईयरस एंड एक्सपेक्ट टू सेल इट फॉर रुपीज फाइव लैक्स आफ्टर फाइव ईयर एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अट्ठाइस लाख रुपए का एक ट्रक परचेज किया है फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स पांच साल इस ट्रक की एक्सपेक्टेड लाइफ है और उसके बाद पांच लाख रुपए के अंदर इसको स्क्रैप करके बेच दिया जाएगा वी नीड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ईच ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मैथड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर मैं दो तरह से सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा एक वो सोल्यूशन जो कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के थ्रू देते हैं और दूसरा वो सोल्यूशन जो कि एक्सेल के अंदर हमें एस एल एन फंक्शन बना के दिया गया है सबसे पहले मैं यहां पर कुछ बेसिक इनपुट्स दे रहा हूं कॉस्ट इज ट्वेंटी एट लाख रुपीस सॉल्वेज वैल्यू इज फाइव लाख रुपीस लाइफ इज फाइव ईयर्स इस जगह के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा लेकिन स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फार्मूला है मैं उस फार्मूले को आपके सामने यहाँ पर दे रहा हूँ डेप्रीसी एक्सपेंसिस इक्वल टू फिक्स असेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ हम इसी फंक्शन को इस जगह के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे सबसे पहले तो मैं ईयर के अंदर ये वन टू दे रहा हूँ फिल हैंडल को लेके मैंने इसको डाउन कर दिया अप टू फाइव ईयर मेरे पास ये फिगर्स आ गई मुझे यहां पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सो आई स्टार्ट इट दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथिस स्टार्ट द फर्स्ट वन इज फिक्स अस कॉस्ट दैट इज ट्वेंटी एट लैक रुपीज क्योंकि स्टूडेंट मुझे इन सेल्स को नीचे ड्रैग डाउन करना है और इनकी रेफरेंस चेंज ना हो जाए मैं इसलिए इसको एब्सल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एफ फोर को प्रेस कर रहा हूं माइनस रेजिडुअल वैल्यू दैट इज रुपीस फाइव लैक आई प्रेस वंस अगेन एफ फोर पेरेंथिस नाउ दिस इज डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ दैट इज फाइव इयर्स। सो आई डिवाइड इट एंड दिस इज द यूजफुल लाइफ गिवन टू अस इन बी अगेन आई प्रेस एफ फोर टू मेक इट एब्सल्यूट रेफरेंस आई प्रसेंटर एकाउंट्स के अंदर हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड है जिस फंक्शन को मैंने यहाँ यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट right साइड के ऊपर दे रहा हूं अब मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड को यूज कर रहे हैं तो सभी सालों के अंदर ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट बिल्कुल इक्वल होगा मैं जानना चाहता हूँ कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हुआ है टू यहाँ पर मैं सम के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मैंने डेप्रिसिएशन के अमाउंट की पाँच साल की कंप्लीट रेंज दे दी दैट इज ई नाइन टू ई थर्टीन पेरेंथीसिस क्लोज आई एंटर मेरे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन ट्वेंटी थ्री लाख रुपीस आ गया बाकी का पाँच लाख रुपया हम इस पर्टिकुलर ट्रक को एज ए स्क्रैप मार्केट के अंदर बेच के रिकवर करेंगे सो so, पूरी असेट की वैल्यू को हमने यहाँ पर रिकवर कर लिया लेकिन स्टूडेंट ध्यान देंगे हमने यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के थ्रू इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है जो अकाउंट के फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हीं फार्मूले के थ्रू हमने ये कैलकुलेशन करी है अब राइट साइड के ऊपर मैं एक्सेल के एस फंक्शन को यूज करूंगा सबसे पहले तो मैं ईयर्स को यहां पर टेकअप कर रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर को सिलेक्ट करके मैंने इसको फिल हैंडल के जरिए डाउन कर दिया इस जगह के ऊपर मैं एस के फंक्शन को यूज करूंगा। द फर्स्ट आर्गूमेंट इज कॉस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट एबसल्यूट आई प्रेस एप फॉर सॉल्वेज फाइव लाख रुपीज given to us in b9 again i press f4 to make it absolute reference comma the last one is life that is given to us in b10 cell number again i press f4 to make it absolute reference parenthesis close i press enter may pass first year ka sln method get through depreciation agia lakh sixty thousand rupees मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया मेरे पास सभी सालों के अंदर चार लाख साठ हज़ार रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया इस जगह के ऊपर मैं टोटल वैल्यू को टेकअप कर रहा हूँ और टोटल वैल्यू को निकालने के लिए मैं यहाँ पर सम फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैंने सारे डेप्रिसिएशन अमाउंट्स की रेंज को दे दिया आई प्रेस सेंटर मेरे पास एस एल ने भी पाँच सालों के अंदर तेईस लाख रुपए का डेप्रीसी कैलकुलेट कर दिया हमने यहां पर जिस फंक्शन को यूज किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूं स्टूडेंट लेफ्ट साइड के ऊपर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली स्ट्रेट लाइन डेप्रीसी को कैलकुलेट किया राइट साइड पर हमने एक्सेल के एस फंक्शन को यूज करके अमाउंट की कैलकुलेशन करी आप देख रहे हैं कि एक्सेल ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैंने इन ईयर्स को सिलेक्ट किया ये एस एल एन मेथड के थ्रू हमने डेप्रिसिएशन को भी सिलेक्ट कर लिया आई गो टू इंसर्ट आई गो टू चार्ट चार्ट के अंदर मैं थ्री डी कॉलम के अंदर आता हूँ और थ्री डी कॉलम के अंदर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं यहां पर मैं इसके टाइटल को चेंज कर दूंगा एस एल एम फंक्शन मेरे पास पांच सालों का डेप्रिसिएशन आ गया और ये उसकी मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस कर रहा हूं सो दैट यू कैन व्यू द कंप्लीट क्वेश्चन कैन व्यू द कंप्लीट सोल्यूशन स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि ये एस एल एन फंक्शन अब आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ गया होगा थैंक यू वेरी मच